हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं अपने लौकी के फलों को दिखा रही हूँ। लौकी के फल तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये फल मेरे टिक नहीं रहे हैं। तो एक छोटी सी जानकारी है जिससे फल रुकने लगेंगे, मुझे भी नहीं पता था। गांव में माँ लोग ऐसे ही करती थी, तो मुझे वो चीज़ याद आ गई, तो मैं सूची बना दूँ। क्योंकि फ्रेंड जितनी भी बतिया देखिए लग रही है, लेकिन इसके फल बड़े नहीं हो रहे और सब मर जा रहे हैं। और लौकी इतनी ज़्यादा फल इसमें आए हुए हैं कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फल जाएगी लौकी, लेकिन ये लौकी का हालत तो बहुत ख़राब है। ये लौकी रुकी नहीं, टिकी नहीं पा रही है। तो फ्रेंड माँ की बातें वो याद आई, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। माँ लोग बोलती थी जब भी लौकी आप लगाते हैं अगर बतिया नहीं बचती है तो क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और वीडियो लास्ट टाइम तक देखिएगा। मैंने भी ऐसा किया था पिछली बार, तो मेरे तो लौकी के फल रुकने लगे थे। इस बार अभी मैं नहीं की हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार भी मैं वही काम करूँगी। तो फ्रेंड करना क्या है, जैसे अभी तो मैंने इसमें ट्राई नहीं, अभी मैंने इसमें डाला ही नहीं है, लेकिन अभी मैं जल्दी ही इसमें डालूंगी। जैसे कद्दू हुआ, लौकी हुआ, और एक ठो खेसका कोहड़ा बोलते हैं, वो होता है सफ़ेदा वाला, वो होता है, वो सब में माँ लोग यही काम करती थी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और वीडियो लास्ट टाइम तक देखिएगा। तो फ्रेंड करना क्या है, जब भी आपकी लौकी के फल जो हैं मर जाते हैं, नहीं बचते हैं, तो एक गाँव में टोटका बोलते थे। टोटका का मतलब है कि बतिया को रोके कैसे, तो गांव में टोटका करते। टोटका क्या, एक तरह से टोटका नहीं था, उसके लिए वो लोग ऐसा चीज़ डालते थे जिससे बतिया रुकने लगती थी और फल टिकने लगता था। तो वो चीज़ मैं माँ की बातें याद आई तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो कैसे क्या है, आप सच है कि नहीं है आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन पिछली बार मेरी बतिया रुकी थी, मतलब जितने भी फल आए थे वो रुके थे। तो कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है हमारी सब्जी के फलों में, जिसकी वजह से ये बतिया जो है रुक नहीं पाती। जो भी लौकी के फल लगते हैं वो रुक नहीं पाती है। तो जब लौकी के फल नहीं रुक पाते हैं तो उसी के लिए माँ लोग ये कहते थे कि ये चीज़ डालोगे तो रुक जाएगा। तो फ्रेंड मैं भी अब सोच रही हूँ लौकी में वो चीज़ ट्राई करूँ। तो माँ लोग करती थी क्या फ्रेंड, ये जैसे लौकी जिसे मैंने लगाया है, जैसे लौकी की जहाँ जड़ है, ये आप देख रहे होंगे, जो लौकी की जड़ है, जड़ के पास थोड़ा सा दूरी पे गड्ढा बना के माँ लोग मछली, गांव में मछली मिलती थी तो मछली को जिंदा ही इसके अंदर दबा देते थे। उसकी वजह से लौकी फलने लगती थी और बड़े बड़े कोहड़ा जो होते थे उसके भी फल रुकने लगते थे। तो मैं भी एक्वेरियम रखी हूँ फ्रेंड, मैं एक्वेरियम का ही पानी इस लौकी के पौधे में डालती थी, पिछली बार डाली थी, इस बार तभी मैंने नहीं डाला है, उसी से फल रुकने लगे थे। तो फ्रेंड आप ये बताइएगा क्या वो मछली का पानी डालने से और या मछली नीचे दबा देने से लौकी का फल रुकता है। जितने भी गार्डनर फ्रेंड हैं मेरे, मैंने तो पिछली बार ट्राई किया, फल रुका। लेकिन सच क्या है, आप कोई भी गार्डनर फ्रेंड अगर बता सकता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमको ये जानकारी ज़रूर चाहिए कि मछली को जड़ के पास दबाना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड, ये छोटी सी वीडियो मुझे बनानी थी और आप लोगों से पूछना भी था।